आज हमारा सॉफ्टवेयर है इम्पेक्ट, जो कि उर्दू टाइपिंग के लिए यूज़ किया जाता है। टॉपिक नेम है हाउ टू डिज़ाइन न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पूरा कैसे डिज़ाइन किया जाता है आज हम वो सीखेंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले फाइल में जाएंगे, यहाँ से न्यूज़ सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से आपने क्या करना है, बाकी सेटिंग इसकी हुई भी होगी, आपने जस्ट कॉलम सेलेक्ट करना है। जैसा न्यूज़पेपर में कॉलम्स आ रहे होते हैं वो कॉलम आपने सेट करने होते हैं, जिस हिसाब से आपका न्यूज़पेपर होता है उस हिसाब से कॉलम सेट करने होते हैं, जितना टेक्स्ट होगा। तो यहाँ से आप ये कॉलम वाले ऑप्शन में आएंगे, यहाँ से अपने न्यूज़पेपर के कॉलम सेट कर देंगे। मैं 1 to 8 सेट कर रही हूँ, फिर ओके कर देंगे तो उन्हीं कॉलम्स के अकॉर्डिंग आपका पेज आ जाएगा इस तरह से। इसके अंदर न्यूज़पेपर के अंदर ज़्यादातर टेक्स्ट बॉक्स और क्या कहते हैं सारी चीज़ों का यूज़ आ जाता है, पिक्चर्स आ जाती हैं, टेक्स्ट आ जाता है, टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है, शेप्स वगैरह सब आ जाती हैं। ठीक है, मैं आपको एक दो चीज़ें डिज़ाइन करके दिखा देती हूँ, उसी तरह आपने पूरा न्यूज़पेपर डिज़ाइन करना होता है। सारी वही चीज़ें जो आप पीछे सीख कर आ चुके हैं। सबसे पहले यहाँ से हम रेक्टेंगल पिक्चर बॉक्स चुन ले लेंगे, इसको ड्रॉ कर देंगे। इसमें पिक्चर हम इंसर्ट कर देंगे, विड्थ एंड हाइट सेट कर देंगे, इसी तरह से यहाँ से क्या करेंगे टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट कर लेंगे, इसको यहाँ पे इस तरह से डिजाइन कर देंगे, यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख देंगे। ठीक है, टेक्स्ट लिखने के बाद उसे आपने डिजाइन कर लेना है। ठीक है, इस तरह से इसको लिखकर आपने इसको भी डिज़ाइन और कर लेना, सेट कर देंगे। एरो टूल लेके टेक्स्ट बुक्स को सेलेक्ट करेंगे, इसमें कलर वगैरह फिल कर देंगे। इस तरह से इसकी आउटलाइन वगैरह सेट कर देंगे थोड़ी सी। फिर उसके बाद आपने दोबारा क्या करना है, यहाँ से पिक्चर बॉक्स चुन लेना है, पिक्चर को ड्रॉ इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, और इसके अंदर आपने क्या करना है, कोई भी पिक्चर ऐड करते जाना है उसकी है। इसको फिर इसको आपने क्या करना है, एरो टूल लेना है, सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, और इस तरह से आप उठा के यहाँ पे सेट करते जाएंगे। मैं अभी आपको सेटिंग नहीं बता रही, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि किस तरह से आप अलग अलग इसमें पिक्चर्स दे सकते हैं। मैं सिर्फ आपको डिज़ाइन करके दिखा रही हूँ। ठीक है, आप अपनी मर्जी से जो भी पिक्चर देनी हो, जो भी टेक्स्ट देना हो, आप वो डिजाइन कर सकते हैं। इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आपने यहां से दोबारा टेक्स्ट बॉक्स लेना है, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है, और इसके अंदर कोई भी आपने टेक्स्ट लिख देना है। टेक्स्ट लिखने के बाद आपने क्या करना है, कोई भी यहाँ से कॉलम में क्लिक करना है। कॉलम में क्लिक करने के बाद आप इसके अंदर इस तरह से टेक्स्ट लिखेंगे। लिखने के बाद इसी तरह जो भी टेक्स्ट है वो आप नीचे लिखते जाएंगे। मैं इसी टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करके दिखा रही हूँ। इस तरह से जहाँ पे एक कॉलम में आप टेक्स्ट टाइप करेंगे, जैसे ही वो कॉलम खत्म होगा तो नेक्स्ट कॉलम से खुद ही टेक्स्ट ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा।
तो इस तरह से जहाँ पे आपने कोई पिक्चर रखनी है आप वहाँ पिक्चर रख सकते हैं, जहाँ आपने कॉलम डिज़ाइन करना है कॉलम डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई ऐड देना है तो बीच में आप ऐड टाइप कर सकते हैं, आर्टिकल बनाना है इसी तरह आर्टिकल। तो इनमें बेसिकली आपने इन पेज में पीछे जितना भी थोड़ा बहुत सीखा है, पिक्चर का यूज़ सीखा है, टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ सीखा है, टेक्स्ट वगैरह सीखा है, टेक्स्ट बॉक्स डिज़ाइन सीखा है, वो सब इसके अंदर यहाँ पर न्यूज़पेपर में आ जाएगा। और आप अपने न्यूज़ अपने हिसाब से जिस तरह से भी आप न्यूज़पेपर डिज़ाइन करना चाहते हैं आप उसे डिज़ाइन कर सकते हैं। ये थोड़ा बहुत मैंने काम आपको न्यूज़पेपर का बता दिया, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक नेम जो है डिज़ाइन न्यूज़पेपर लेक्चर नंबर 10 कम्प्लीट हो चुका है।